धनबाद जिले के उपायुक्त तथा अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ईवीएम स्ट्रांग रूम का मंगलवार को निरीक्षण किया गया, जिसके बाद उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर धनबाद कोहिनूर मैदान स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया। वहां रखे ईवीएम का जायजा लिया गया, जिसके बाद पुनः जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी तथा प्रमुख राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील किया गया। त्रैमासिक इंस्पेक्शन ईवीएम जहां पर मशीन्स रखी हैं, वीवीपैट हैं, सीईओ हैं, वीओ हैं, उनका सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की उपस्थिति में आज निरीक्षण भी था। उसको लॉक वगैरह खोल के वापस एक बार सभी को अंदर जो मशीन्स रखी हैं उनको दिखाया गया है, तो वापस फिर से जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं उनके आलोक में सील किया गया। तो यूपी चुनाव में भी यहाँ से क्या ईवीएम वो विधिवत जैसा हम लोगों को राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ से या इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन आएंगे उसके आलोक में कार्यवाही। सर कोरोना के लिए क्या कुछ अभी नया गाइडलाइन? सर अभी विशेष रूप से हम लोग दो तीन चीज़ें हैं जिन पर पहले भी और कंटिन्यूस उन्हीं पर फोकस है। वैक्सीनेशन, उसमें अब 15 से 18 एज ग्रुप के भी नए जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। फर्स्ट डोज इमीडिएट हम लोग सभी को 100% दे पाएँ उसके लिए जहाँ पर छूटे हुए लोग हैं पंचायतवार गाँववार उनका सर्वे करके एक जिला में स्थिति कहाँ पर किस तरह की है वो स्पष्ट की गई है, और उसी हिसाब से टारगेटेड कैंप्स फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के, जिनके सेकंड डोज ड्यू हैं उनके सेकंड डोज वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा रही है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क चेकिंग अभियान है, लोग बाहर जब भी निकले मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उनको इंश्योर कराया जा रहा है, और टेस्टिंग। तो ये तीन चीज़ें हैं जिन पर टेस्टिंग के बाद जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। एक सुखद चीज़ इस बार ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, लगभग मेजॉरिटी केसेज जो हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन इसका एक दूसरा चिंताजनक जो विषय भी है कि लोग थोड़ा सा कैजुअल हो रहे हैं, उनको लगता है कि इससे कोई ख़तरा नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में नंबर्स बढ़े हैं, वेव टू के पीक में जितने नंबर्स हमारे पास थे लगभग उसी की सीमा में हम लोग पहुँच कर फिर से वापस अभी थोड़ा सा नंबर्स कम हो रहे हैं। तो विजिलेंट लोग रहें, वैक्सीनेशन छूटा हुआ है तो वो कराएँ, टेस्टिंग अपनी अगर कोविड जैसे लक्षण है तो वो कराएं, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का पालन करें। जागरूकता के लिए भी कुछ किया जाना सर, क्योंकि लोगों में अभी भी लापरवाही देखी जा रही है। उसमें मास्क का कैंपेन है, जगह जगह पर जांच पड़ताल, प्रतिष्ठानों में ये चीज़ इंश्योर कराना कि जब भी उनके ग्राहक आएँ तो मास्क के साथ में आएँ, वो उसकी भी व्यवस्था करें। जहाँ पर नहीं उसका पालन हो रहा है वहाँ पर इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई है वो भी प्रशासन के स्तर से की जा रही है। तो आपके माध्यम से लोगों से अपील भी है कि खुद से सेल्फ रेगुलेट करके मास्क आप अपने ज़रूर लगाएं। बड़ी संख्या में केसेज हम लोग दूसरी जगहों पर देख रहे हैं बढ़ते हुए, तो वैसे स्थिति धनबाद में नहीं उत्पन्न हो, ये हम लोगों को सुनिश्चित करें।